तो जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हाँ मैं एक साल बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, तो मैं बहुत खुश थी। तो कल मैं मिलने गई थी और हम लोग ने बहुत सारी बातें की। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना जिनसे आप कितने साल या फिर महीने बाद मिलो, आपको सेम वाइब्स मतलब फील होती है। तो चलिए आज शुरू करते हैं ये देसी पेड़े की रेसिपी, क्योंकि इनकी भी यही कहानी है। चाहे जितने साल पुरानी ये रेसिपी हो चुकी है, लेकिन फिर भी आज भी इंडियन घरों में इस पेड़े की डिमांड सबसे पहले और सबसे ज़्यादा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे देसी पेड़े बनाना, जिसको बनाना काफ़ी आसान है। मैं आपको एकदम डिटेल में रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और इसका टेक्सचर देख के आपको समझ में आ रहा है कि बिल्कुल देसी मावे का जो टेक्सचर होता है ना, वो इसमें आया है। तो इसको बनाने के लिए हमें चीनी चाहिए। मैंने एक कप चीनी ले लिया है। इसमें 1/4 कप हम पानी डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि हमारी चीनी मेल्ट नहीं हो जाती और थिक नहीं हो जाती, हम इसे कुक करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक तार की चाशनी नहीं चाहिए, हमें 50 तार की चाशनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें बहुत बहुत थिक जो है ये शुगर सिरप चाहिए है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसे बीच बीच में चला लिया था और अब हम इसे मतलब अच्छी तरीके से चलाते रहेंगे। और जब इस तरीके से शुगर में बबल्स फॉर्म हो जाएं, तो आप समझिए कि ये काफ़ी थिक सिरप तैयार है। इसे आप पानी में डाल करके देखिए और ये जो है बिल्कुल इस तरीके से ट्रांसपेरेंट होके आपके हाथों में आ जाना चाहिए और बिल्कुल इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और गैस को बंद करने के बाद हम इसे चलाते जाएंगे। अब ऑब्वियसली जब आप गैस को बंद कर लेंगे तो जो बुलबुले थे वो ख़त्म हो जाएंगे और अब हम इसे बिल्कुल ऐसे ही चलाते जाएंगे जब तक हाथों में अच्छा खासा दर्द नहीं होने लगे। मतलब सीरियसली इसको चलाने में और इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी मेहनत वाली है ये रेसिपी, बट रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस रेसिपी में मैंने आपको दे दी है 2 रेसिपी। तो ये जो हम बना रहे हैं, ये हमारा जो है बन करके तैयार हो रहा है तगार। और तगार यानी कि जिसे कैस्टर शुगर भी बोलते हैं, तो किस तरीके से आप तगार बना सकते हैं वो मैंने आपको पहले शेयर कर दिया, क्योंकि तगार इस पेड़ की जान है। सिर्फ मतलब जो हमारा दूध है वही इंग्रेडिएंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, जबकि जो दानेदार फ्लेवर आता है ना चीनी का, जो वो इस रेसिपी में है तगार। तो तगार आपको घर पे बनाना मैंने बता दिया है, वैसे तो मार्केट में भी इजीली मिल जाता है। तगार की जगह चीनी का भूरा भी कहा जाता है कई जगह। तो आपको बेसिकली चीनी का भूरा चाहिए, जिसे हमने घर पे बना लिया है और ये तैयार हो गया है। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है और अब हम इसे ठंडा करने के बाद अच्छी तरीके से छान लेंगे। तो ये छानने से क्या होगा कि जो बड़े पार्टिकल्स हैं, मोटे पार्टिकल्स हैं, वो अलग हो जाएंगी और परफेक्ट हमारा तगार जो है, जैसे कि मार्केट में मिलता है, वैसा तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, तगार हमारा बिल्कुल तैयार है और इसे हम जो है बिल्कुल इस तरह से स्मैश कर लेंगे जितनी भी गुलटियाँ हैं। तो ऑलमोस्ट जो है बहुत ही अच्छा सा हमारा तगार जो है तैयार हो जाएगा और सारी गुलटियाँ जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। अब आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं किसी बंद डिब्बे में, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। अप टू 6 मंथ के लिए ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। अब इस रेसिपी में हमें चाहिए बहुत सारा दूध, फुल फैट दूध चाहिए हमें। तो यहाँ पर हमने 2 लीटर जितना दूध लेना है। और अगर आपके पास कढ़ाई ज़्यादा बड़ी नहीं है तो आप पहले थोड़ा दूध डालिए, इसके बाद जब आपका आधा दूध पक जाए फिर उसमें थोड़ा दूध डालिए और फिर उसे पकाइए। जैसे कि इसमें अभी 1.5 लीटर जितना दूध आया है और आधा लीटर जो दूध है वो मैं जैसे जैसे दूध पकता जाएगा मैं इसमें दूध ऐड करती जाऊँगी। तो बेसिकली हमें 2 लीटर दूध लेना है और अब हम इसे पकाएंगे। देखिए, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप बनाएंगे उतना अच्छा इनका जो पेड़ों का कलर होता है वो आएगा, उतने ज़्यादा अच्छी जो है ये बनकर के तैयार होगी। हमने 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर यानी कि आरा रोट लिया, जिसमें हम 2 टेबलस्पून जितना दूध डालेंगे और इसे हम मिक्स कर देंगे। और इस तरीके से हम ये स्लरी बना लेंगे एक तरह से कॉर्नफ्लोर की, और इसे हम धीरे धीरे करते हुए दूध में ऐड करेंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से हमें इसे ऐड करना है और अब हम इसे चलाते जाएंगे। इससे दूध क्या है, एक थोड़ा सा थिक आ जाता है दूध। और इसके बाद हम जो है थिक करने के बाद जब इसे फाड़ेंगे तो आप देखेंगे दाना बहुत अच्छा फॉर्म होगा और जो दाना फॉर्म होगा ना वो टाइट नहीं होगा। तो ये मैंने धीरे धीरे करके इस दूध में ऐड कर दिया है और मैं बीच में दूध ऐड करती जा रही हूँ। बेसिकली आपको 2 लीटर दूध चाहिए, बस मैंने ये आपको शुरुआत में बता दिया। और फुल फैट क्रीम आपको मिल्क लेना है। अब इसमें आप जो है 1/4 चम्मच जितना विनेगर ऐड कर सकते हैं या फिर आप जो है ऐड कर सकते हैं लेमन जूस। तो इससे ज़्यादा हमें नहीं डालना है कि दूध बिल्कुल अलग हो जाए और छेना बिल्कुल अलग हो जाए। हमें सिर्फ इसमें मलाई फॉर्म करने के लिए डालना है
और इसी के साथ आप इसमें चीनी डाल दीजिए या फिर तगार डाल दीजिए। तो अभी यहाँ पे आप चाहे चीनी डाल सकते हैं चाहे तगार डाल सकते हैं, क्योंकि इसको तो मेल्ट ही हो जाना है इसमें। तो आधे कप जितना मैंने चीनी या तगार आप डाल दीजिए। अब ये जो देसी पेड़े होते हैं ना, इसमें थोड़ी चीनी ज़्यादा ही होती है तभी अच्छे लगते हैं, बाकी आप चीनी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए, चीनी डालते ही आप देखेंगे दूध बहुत अच्छे से कलर आने लगेगा, और जैसे कि मैंने आपको बताया जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में दूध होगा ना, उतना ही ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर पेड़ा बन करके तैयार होगा। और अच्छा, मैं आपको बताऊं कि अगर आप इसे लोहे की कढ़ाई में बनाएं तो और ज़्यादा अच्छा जो है पेड़ा बन करके तैयार होता है। तो बस अब हम इसे चला लेंगे, और आप देखिए बहुत अच्छी मलाई जो है वो फॉर्म हो जाती है विनेगर के कारण, और इसे पकाते जाएंगे। और ये देखिए इसका कलर कितना ज़्यादा अच्छा आ गया। जब आप इस तरीके से दूध को चीनी में पकाते हैं काफ़ी लंबे समय के लिए, तो बहुत ही अच्छा सा कलर जो है वो आ जाता है। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ रहा है, इसमें घी या फिर कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, और हम बिल्कुल इसे धीमी आँच पर पकाते जाएंगे। अब देखिए मैंने थोड़ा सा विनेगर और ले लिया है, लगभग 1/4 छोटी चम्मच जितना और, ताकि जो है और अच्छा जो है दाना जो है वो फॉर्म हो जाए। तो इस तरीके से देखिए हम चलाएंगे, और बस अब इसे हमें 2 मिनट के लिए और चलाना है। तो मैं आपको बताऊं, इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको अगर मैं सीधे और साफ शब्दों में बोलूं तो 2 घंटे से कम का समय नहीं लगेगा, क्योंकि धीमी आंच में दूध को पकाना होता है जो कि काफ़ी उबाऊ काम होता है, लेकिन रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो कभी कभी मेहनत की जा सकती है, और मेरे पापा को ना इस तरीके की रेसिपी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर ये देखिए, अब हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब हम गैस को बंद करने के बाद इसे जब हल्का ठंडा हो जाएगा तो बिल्कुल इस तरीके से फैला देंगे, और फैलाने के बाद जो है आपको इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो इस तरह से फैला देंगे तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के लिए मतलब आपको पूरी तरह से ठंडा करना, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत गर्म चले तो काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपको बिल्कुल अच्छे से ठंडा करना है। इसीलिए मैंने आपको इतना ज़्यादा टाइम बताया है, क्योंकि चीज़ों को ठंडा करना है, गर्म करना है, गाढ़ा करना है, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है, और गर्मियों में चीज़ें ठंडी भी बहुत जल्दी नहीं होती है। तो ये देखिए, ये ठंडा होने के बाद काफ़ी सख्त हो गया, जैसे कि हमें पेड़े बनाने के लिए चाहिए होता है। अब इसे हम जो है एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब जो है देखिए, आप चाहें तो इसे डायरेक्ट पेड़े बना सकते हैं, लेकिन जैसा देसी मावे पेड़े में स्वाद होता है वो है इस तरीके से तगार का, जिसके क्रिस्टल आते हैं ना चीनी के मुँह में, वही खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। और दूसरी बात, नटमेग पाउडर यानी कि जायफल का, इसमें कार्डमम पाउडर नहीं, इसमें नटमेग पाउडर जो है वही अच्छा लगता है, मतलब कि जो जायफल का पाउडर होता है ना वही इसका स्वाद जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है। तो हमने इसमें तगार ऐड कर लिया, और इसके बाद इसमें नटमेग पाउडर ऐड कर लिया। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इसका एक डो फॉर्म करेंगे। और अगर आपको थोड़ा सा भी डो जैसे लग रहा हो कि लूज़ और बहुत अच्छे से नहीं बन पा रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप जो है इसे रख दीजिए फ्रिज में, और फिर जो है आप इससे जो है पेड़े बनाना शुरू कर दीजिएगा। थोड़ा सा सख्त हो जाता है, अगर आप फ्रिज में नहीं भी रखना चाहते तो आप इसे खुला छोड़ दीजिए तगार डालने के बाद, और इसके बाद इसके पेड़े बनाइए। तो मैं जो है जैसे इसके मार्केट में पेड़े मिलते हैं आड़े बेड़े टेढ़े, मैं बिल्कुल वैसे ही बना रही हूँ, मतलब कोई पर्टिकुलर बहुत अच्छा शेप नहीं दे रही हूँ। आप चाहो तो राउंड भी बना सकते हो, लेकिन मैंने फिंगर की मदद से इस तरीके से इसके जो है शेप है वो बना लिया, जैसे कि मंदिरों में मिलते हैं। और ऊपर से थोड़ा सा आप चाहें तो ये कैस्टर शुगर जो है वो डाल सकते हैं। और ये देखिए, हमारे देसी मावे वाले जो पेड़े हैं ये बन करके तैयार हो गए हैं। आई होप आपको बहुत पसंद आएंगे, और आप ज़रूर से ट्राई करना। रेसिपी थोड़ी उबाऊ है लेकिन बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।